हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड के सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो है आपका फूड इन अब्रॉड को लेकर के। खाना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके और आपके पेरेंट्स के लिए, ये बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी है। रीजन क्या है कि जब आप 12th पास आउट करते हैं तो आप घर से बाहर कभी होते नहीं है, और जब बाहर होते हैं तो आप डायरेक्ट आउट ऑफ इंडिया जाने की सोचते हैं, बाहर की कंट्री में जाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो आपके पेरेंट्स के लिए या आपके लिए कई बार ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है फूड को लेकर के, खाने को लेकर के, कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर कंट्री में इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पर आपको प्रॉपर डाइट इंडियन फूड के रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज हमने इस वीडियो को कवर किया है और इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि घर से बाहर घर जैसा खाना तो आपको नहीं मिलने जा रहा है। फूड नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, बाहर में भी नहीं, इंडिया में भी कंसर्न है। जब आप हॉस्टल में जाते हो, इंडियन हॉस्टल में, यहाँ भी जो फूड की क्वालिटी है उसको लेकर के हमेशा एक कंप्लेंट होता है। तो बाहर में आप सोच सकते हैं कि बाहर के कंट्रीज में आपको घर जैसा खाना कैसे मिल सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं अब्रॉड में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे रशिया, यूक्रेन, वट एवर द कंट्री, जहाँ भी आप जा रहे हो, चाइना, कजाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़कर, जहां भी आप जाते हो वहां पर ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं होता। तो क्या करते बच्चे, उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको सेल्फ कुकिंग करनी पड़ती है। और सेल्फ कुकिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर जो भी हॉस्टल होता है, हर हॉस्टल के फ्लोर पर आपको अटैच्ड किचन मिलता है। जहां पर कई सारे हॉस्टल्स हैं जहां पर आपको उनका किचन के अंदर में इंडक्शन हीटर वगैरह है, या फिर आपको गैस स्टोव्स है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जहाँ पे आप अपना खाना सेल्फ कुक कर सकते हैं। एक तो यह पार्ट है। तो कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एजेंट जो है वो आपको हमेशा बता के भेज देते हैं कि नहीं, वहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल होता है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता वहाँ पर एक्चुअली में मेस अवेलेबल है या नहीं है। आप मानकर चलो कि 30% ऑफ द यूनिवर्सिटी बाहर की ऐसी है जहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल है। अब इंडियन फूड वहाँ पर वैसे अवेलेबल है कि जैसे जो इंडियंस यहाँ से जाके वहाँ पर सेटल्ड हो गए, या जो पहले बहुत पहले 10-12-15 साल डॉक्टर बनने के लिए गए थे, वहीं पर सेटल्ड हो गए, रह गए, तो उनका उस यूनिवर्सिटी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वहाँ पर इंडियन मेस चलाते हैं, और इंडियन मेस में वो आपको एक इंडियन फूड जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, जिसमें लंच और डिनर आपको मिलता है। कई सारे जो मेस है उसके अंदर में ब्रेकफास्ट का सिस्टम नहीं है, ब्रेकफास्ट आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है, और अगर है भी तो दैट इज पेड, वो एडिशनली आपको ऊपर से पे करना पड़ता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब जो इंडियन मेस वहां पर चल रही है, अब उस मेस के अंदर में जो टेस्ट है, फूड का जो टेस्ट है और जो उसकी क्वालिटी है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगले 5 साल तक उसको खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, 99.9% केसेस में ज्यादातर बच्चे 1 साल के बाद मेस को छोड़ देते हैं और वो सेल्फ कुकिंग वाले मोड पर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ कुकिंग से बेटर फूड का ऑप्शन बाहर में किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि वहां पर जनरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने कई सारे वीडियो, आज के डेट में एक प्रमोशन है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में ले जाकर के आपको इंडियन फूड दिखा दिया जाता है वीडियो में, लेकिन जो फूड दिखाया जा रहा है क्या आप वो फूड अगले 6 महीने तक लगातार खा सकते हो? क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप फुल टाइम राइस नहीं, मतलब फुल टाइम राइस नहीं खा सकते, आपको रोटी भी चाहिए, चपाती भी चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप साउथ इंडियन है तो कहीं ना कहीं आप कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है चावल के साथ, यानी राइस के साथ, वो आपके साथ आप एडजस्ट कर जाते हो। तो किसी भी मेस में, इंडियन मेस में, क्योंकि वहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो वीट, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर आटे की रोटी यानी वीट की जो चपाती है वो नहीं मिलती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चावल खा करके रहना पड़ता है, जो आपके लिए सर्वाइवल से थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, वो स्पाइसी नहीं होता, मसाले का उतना प्रयोग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपको जो 5 ईयर्स अगर आपको उस कंट्री के अंदर में सर्वाइव करना है तो आप उस टेस्ट और उस क्वालिटी ऑफ फूड के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन पर नहीं चल सकते। तो घर जैसा खाना अगर खाना है तो घर जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ उससे बेहतर अगर खाना होगा तो आपको खुद से बनाना होगा। और ज्यादातर केसेस में ही होता है कि बच्चे 1 साल के बाद जाते हैं, उनका ग्रुप बनता है, उनकी बॉन्डिंग बनती है, और दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर फूड। जब आप वापस इंडिया आते हो छुट्टियों में,
तो फिर आप यहाँ से मसाले वगैरह या फिर स्पाइसेस दाल कुछ भी मतलब जो है वो आपस में ग्रुप में एक डिस्कशन बनता है और उसके द्वारा फिर आप वहाँ पे कैरी आउट करके लेकर के जाते हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन है जब बाहर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो जो फूड का पार्ट है पेरेंट्स के लिए भी और जो बच्चों के लिए भी, आप ये मान करके चलिए कि बाहर में आपको कोई कितना भी बता दे कि आपका इस यूनिवर्सिटी में प्रॉपर मेस दिस दैट है, या आपको लगे कि आपने कहीं वीडियो देख लिया कि इस यूनिवर्सिटी में पनीर मसाला मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, वो कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होने वाला है, उस टेस्ट को आप कभी लाइक नहीं करने वाले हैं और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं सेल्फ कुकिंग वाले मोड पे ही आना पड़ेगा। तो आप अगर जाना चाह रहे हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब आपके पास एग्जाम खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम आप अपने सिस्टर के साथ या मदर के साथ किचन में स्पेंड कर सकते हैं और कुछ छोटी मोटी चीजें बनाना खुद से सेल्फ कुकिंग आप सीख सकते हैं। एक दूसरा, कई सारे बच्चे जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो 6 मंथ तक मेस और कैंटीन में खा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जाते के साथ कैंटीन और मेस जो है किचन में अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी ग्रुप नहीं बनी होती है। तो उस टाइम में कुछ ऐसे फूड आप लेकर के जा सकते हो, कुछ खाना ऐसे लेकर के जा सकते हो, क्योंकि अगर आपको वहां पर मन नहीं भर रहा है, अगर आप वहां नहीं खाना चाह रहे हो, आपके पास रेडीमेड फूड अवेलेबल हो, क्योंकि जब आपको भूख लगे या आपको किसी दिन मेस का खाने की इच्छा ना हो तो आप उसको प्रिपेयर करके कुक करके आप अपना खा सकते हो। एक तो एक इम्पॉर्टेंट है, जब आप माई करियर पाठशाला के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जब हमारे पास आते हैं बच्चे, तो हम प्रॉपर लिस्ट उनको देते हैं कि फर्स्ट ईयर में, एक तो हम वैसी यूनिवर्सिटी में जनरली भेजते हैं जहां पर फर्स्ट ईयर में कम से कम मेस का सपोर्ट दिया जाए। सेकेंडली आपको पूरा लिस्ट दिया जाता है जिसमें रेडीमेड फूड्स का पूरा कौन कौन सा आपको स्टॉक्स लेकर के जाना है किचन का, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर में कुछ स्पाइसेस वगैरह या डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको लेकर के वो जानी होती है। दैट वी ऑल गाइड यू व्हेन एवर यू कम टू माई करियर पर्सन। तो आप ये बिल्कुल माइंड में, पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ और बच्चों को भी बता रहा हूँ, फूड एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है और यह बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चों को वहां जाने के बाद खाना बनाना पड़ेगा, इधर फ्रॉम फर्स्ट ईयर और फ्रॉम सेकेंड ईयर। मोस्टली सेकेंड ईयर से बच्चे यूज हो जाते हैं, तो जो आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी है कि बच्चा पढ़ेगा या खाना बनाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपको 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि आप अपने लिए सेल्फ कुकिंग या सेल्फ फूड ना कर सके। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। फूड इज नेवर कंसर्न, अगर आप डिटरमिंड है पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको इतना तो पेन उठाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि एमबीबीएस अब्रॉड का सीरीज चल रहा है, पहले के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड की सारी सीरीज को अगर आप देख लेंगे यकीन मानिए आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, और यकीन मानिए आप खुद से इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हाउ टू फाइंड द राइट यूनिवर्सिटी, हाउ टू प्लान योर बजट एक्यूरेटली, और कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे, एंड हाउ टू फाइंड द राइट कंसल्टेंट, किससे आपको एडमिशन का प्रोसेस हेल्प कराना चाहिए या गाइड कराना चाहिए, वो सारा चीज आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ अगले वीडियो के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।